हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत। आज बनाते हैं कोकोनट चटनी, वही कोकोनट चटनी जिसे हम साउथ इंडियन कुजीन के साथ रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लाइट और डेलिकेट इसका टेस्ट होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ये चटनी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और फैट से भरपूर होता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तो इसे बच्चों को खिलाना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए कोकोनट फ़ायदा करता है, वो सारे फायदे कोकोनट चटनी खाने से भी मिल जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इस चटनी के खाने से रंग गोरा होता है, तो क्यों ना ऐसी चटनी को हम रोज़ थोड़ा थोड़ा चाटा करें। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, एक मीडियम साइज नारियल से लगभग 1/4 नारियल हमने लिया है और उसे छील लिया है। छिलके के साथ भी ये चटनी बन सकती है, मगर अगर आपको सफ़ेद बिल्कुल चटनी चाहिए और स्मूथ चाहिए तो छिलका छील लेना ही बेहतर होगा। ये जितना फ्रेश और टेंडर होगा चटनी आपकी, उतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी। नारियल की चटनी साउथ की सबसे ज़्यादा मशहूर चटनी है और ये डोसे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप इसे खिचड़ी के साथ खाएं या पकौड़ियों के साथ खाएं तो भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। नारियल का टेक्सचर थोड़ा खुरदरा होता है और रफ होता है, तो इसे चाहे जितना भी पीस लो, ये सॉफ्ट और स्मूथ नहीं होता। तो इसे स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है भुना हुआ चना, भुना हुआ मूँगफली और टेस्ट के लिए कुछ मसाले हैं जिनमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च है, और खट्टा करने के लिए हमने नींबू लिया है। नारियल में चना और मूंगफली मिलाने का कोई सेट फॉर्मूला तो है नहीं, हम इसे अपनी पसंद और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा मिला लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हम चटनी नारियल की बना रहे हैं तो नारियल से बाकी चीज़ों की क्वांटिटी 1/4 या 1/3 या 1/5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अगर 4 टेबल स्पून नारियल लिया है तो 1 टेबल स्पून के लगभग काबुली चना है और 1 टेबल स्पून ही हमारा 1 टेबल स्पून मूंगफली है और 1 टेबल स्पून ही हमारा काबुली चना है। अदरक और लहसुन स्वाद के अनुसार लें और मिर्च जो आप बर्दाश्त कर सकें। तो मैंने यहाँ पर एक मिर्च लिया है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 2 मिर्च ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है और चटनी की कंसिस्टेंसी भी कोई सेट फार्मूला के तहत नहीं होना है। चटनी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये बिल्कुल रनी भी बनती है और शहद लाइक कंसिस्टेंसी भी इसका बनाया जाता है। बहुत से लोग पैनकेक जैसा इसकी कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल चोखे जैसा भी रखते हैं। तो आपको कैसी पसंद है, आप उसी हिसाब से चटनी पीसते समय पानी मिलाएं। तो एक मिक्सी पॉट में हमने नारियल के टुकड़े डाल दिए हैं, यहाँ पर मूंगफली के दाने हैं, साथ में ये हमारा चना का भूंजा है, अदरक, मिर्ची और लहसुन। अब इसमें नींबू निचोड़ लें। ये बहुत रसदार नींबू है तो मैंने बस यहाँ पर आधा नींबू ही डाला है। बहुत ज़्यादा खट्टा बनाने से भी ये ठीक नहीं रहेगा। इसमें नारियल का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके टेस्ट को सबसे ज़्यादा पता चलना चाहिए। ज़्यादा खट्टा होने से उसका टेस्ट दब जाएगा। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। तो नारियल की चटनी जितनी टेस्टी होती है उतनी ही हेल्दी होती है, और नारियल का फायदा जानना हो तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर बनाना है, तो अब धीरे धीरे इसे हम पीसेंगे और एक बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसे नहीं पीसना है, रुक रुक कर चलाना है। तो थोड़ा पानी मिलाते हैं। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, देखिए है ना, ये बहुत ही ग्रेनी सा और बहुत ही रफ सा। तो इसमें एक बार हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है।
चलिए थोड़ा और डालते हैं। तो अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसे थोड़ा पानी डालकर आप और भी पतला बना सकते हैं, अगर इसे आपको डोसा से खाना है या इडली से खाना है। वाह, मैंने इसे चक्कर देखा है, इतना ही टेस्टी है, इतना ही दूधी और क्रीमी स्वाद है इसका नारियलों वाला, साथ में हल्की सी स्पाइसीनेस है मिर्चों की और एक टैंगीनेस है बहुत हल्का सा। आप इसे खुद बनाकर खाएंगे तो ही इसका सही अंदाज़ा होगा। तो मैंने इसे फाइनली एक पॉट में ढाल लिया है जिसमें मुझे सर्व करना है। तो अब इसमें बघार डालने का समय है, तो सरसों मिर्च और करी पत्ते से इसे बघारना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है नारियल की चटनी को आपने एंजॉय किया होगा और ये आपको बहुत ही आसान लगी होगी। तो जब भी नारियल आए, फ्रेश नारियल से इस चटनी को बना के देखें। यूँ तो ड्राई नारियल के चूरे से भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन फ्रेश नारियल से ये बहुत यमी, बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रीमी बनती है। तो बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर पसंद आए तो लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।